अभी आपने देखना है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे फाइट करना है, क्योंकि अब धीरे धीरे टाइम आ गया है आपका। ये साल भर आपने पढ़ तो लिया, ठीक है, कभी लॉकडाउन में कभी ऑनलाइन पढ़े कभी ऑफलाइन पढ़े, प्रैक्टिकल वैसे किए तो ही आपने मैक्सिमम, लेकिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है ना। तो आप जैसे फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 14 और 15 दिसंबर को, और उसका जो टाइम टेबल में 9:30 बजे लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, 9:30 बजे से लेकर के 8 घंटे का प्रैक्टिकल होता है। तो एक टी जॉइंट बनाना है 7-20 तार का, और उससे संबंधित औजार उपकरण ये करना है। दूसरा क्वेश्चन था आपका, वेरीफाई द रिलेशन लाइन फेज वोल्टेज करंट, लाइन वोल्टेज फेज करंट और लाइन करंट के बीच में संबंध स्थापित करना है, और वो स्टार और डेल्टा दोनों टाइप के कनेक्शन में, ठीक है। ये दूसरा कनेक्शन आ गया, दूसरा ये क्वेश्चन आपका हो गया। तीसरा एक क्वेश्चन और है कि मेजर द थ्री फेज पावर, थ्री फेज की आपको पावर नापनी है, बैलेंस और अनबैलेंस लोड पर। तो बैलेंस और अनबैलेंस लोड सारी चीज़ें आप सब पढ़ चुके हो, तो आपको क्या करना है, तो ये माना कि ये 3 प्रश्न आपके आ गए हैं, ठीक है। आपके सामने पेपर आ गया, सबसे पहले तो ये 9:30 बजते ही तो पेपर खुल जाएगा, पेपर खुलते ही जो एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं वो आपके पास में आ जाएंगे, और ये पेपर पूरा अंग्रेजी में आएगा। दिमाग में ये देख लेना कि पेपर अंग्रेजी में आ जाएगा, उसका हिंदी अनुवाद करा देंगे, आपको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं, है ना, दिक्कत कुछ भी नहीं है, आराम से समझ जाते हो ना। 7:20 अगर ये ऐसा लिखा हो 7:20 टी जॉइंट, भाई 7:20 का टी जॉइंट बनाना है, उसमें हिंदी लिखो चाहे अंग्रेजी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें लिखा है कि वेरीफाई द रिलेशन लाइन फेज वोल्टेज स्टार और डेल्टा, ये इंडिकेशन है, ये समझ में आ गया। अब तीसरा प्रश्न थ्री फेज का पावर, ये भी आपको समझ में आ गया। अब करना क्या है, आपको सबसे पहले 1 या 2 पेज की कॉपी दे देंगे, 2 पन्ने, ठीक है। जैसे 9:30 बजते हैं पेपर जैसे खुल गया, आपको 2 पन्ने का एक कॉपी दे देंगे, उस कॉपी पर आप रोल नंबर लिखेंगे, रोल नंबर लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर डालना है, क्वेश्चन नंबर डालना है, उसके बाद आपको टूल्स और इक्विपमेंट की लिस्ट बनानी है, ठीक है ना, टूल्स इक्विपमेंट की लिस्ट आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर डालना पहला क्वेश्चन, अब पहला क्वेश्चन है 7:20 के टी जॉइंट लगाना, 7:20 का टी जॉइंट लगाना है, 7:20 का टी जॉइंट लगाने के लिए क्या क्या औजार चाहिए आपको, वायर में, फिर खाली वायर यूँ लिख दिया नंबर कट जाएंगे, ठीक है, वायर केबल नहीं, 7:20 का वायर वो भी कितना चाहिए, अगर एक लड़का लिखता है खाली वायर, ठीक है, दूसरे ने लिख दिया 7:20 वायर 1 मीटर, तो फिर अच्छा कौन सा रहा, वही तुम्हारा मूल्यांकन है, वही मूल्यांकन कैसे होगा, बस यही तो है कि 7:20 का तार, एक ने लिखा 7:20 का तार, एक ने खाली वायर लिख दिया, तो फिर नंबर जो वायर लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, 7:20 का तार 1 मीटर यूँ लिखा तो परफेक्ट नंबर मिलेंगे, बस सीधी सी गणित है। तो पूरा जो मटेरियल का स्पेसिफिकेशन और विथ क्वांटिटी भी लिखना है, वो जो है वो रिटर्न वर्क आपकी कॉपी के अंदर ये शो करता है कि आपका नॉलेज कितना है, ठीक है। उसके बाद फिर औजार, दूसरे औजार में क्या लिखोगे, प्लायर, फिर प्लायर में फिर कॉम्बिनेशन प्लायर, फिर साइज लिखो उसकी भी, कितने इंच कितने एमएम का चाहिए, कॉम्बिनेशन प्लायर आपको चाहिए ना, कॉम्बिनेशन प्लायर, फिर साइज लिखिए आपने। अगर आपने परफेक्ट टूल्स के नाम वगैरह लिखे हैं तो आपके नंबर अच्छे मिलेंगे, इसलिए जो लिस्ट बनाते समय ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर डाला, क्वेश्चन नंबर डालने के बाद आपको ये प्रैक्टिकल करने के लिए जो जो औजार चाहिए, जैसे आपने ये 7:20 का है पहला क्वेश्चन लिखा, 7:20 का, 7:20 में फिर आपको प्लायर चाहिए, प्लायर में फिर कॉम्बिनेशन प्लायर 150 mm एक यूँ लिखते हैं, और एक खाली एक प्लायर लिख दिया तो प्लायर वाले को नंबर कम मिलेंगे, और कॉम्बिनेशन प्लायर 150 mm का एक यूँ लिखते हैं तो नंबर अच्छे मिलेंगे, हो गया ये। तो आपको नंबर अच्छे लाने हैं तो औजारों का पूर्ण विवरण आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिएगा आपको, चाकू चाहिएगा, फिर वायर छीलने के लिए आपको चाकू चाहिए, इलेक्ट्रिशियन ना, एक तो धार किया हुआ जो इंसुलेशन छीलने काम आता है, और दूसरा जो है उसमें धार नहीं है तो वो क्या है कि तार के ऊपर कोई कचरा है तो साफ़ करने के लिए, जिसमें धार नहीं होती है, तो दो जो उसकी ब्लेडें हैं तो 2 ब्लेडें आपकी हो गई, तो 2 ब्लेड वाला इलेक्ट्रिशियन नाइफ हो गया आपका, ठीक। और उसके बाद फिर क्या चाहिए, स्केल, आप वायर छीलेंगे तो नाप के छीलना है, उसके लिए स्केल चाहिए, ठीक है। तो एक स्केल,
ये जो रिक्वायरमेंट आपने सही ढंग से दी है तो आपका नंबर का वेटेज बढ़ जाएगा। तो ये दूसरा जो प्रैक्टिकल में ये काम करना है आपको, जैसे पेपर मिला उसके बाद क्वेश्चन नंबर डाल दिया, क्वेश्चन नंबर डालने के बाद फिर जैसे आपने मटेरियल की लिस्ट सही ढंग से लिखी है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चित्र बनाना है, चित्र बनाना जैसे ये फिगर बनाओगे ना, आपको वायर जैसे लिया है, 7/20 का तार है, कितना लेना है, उसमें कट कितना करना है, टी जॉइंट लगाना है तो उसमें 1/3 हिस्सा आपका, मतलब 2/3 हिस्सा अलग रखना है, 1/3 हिस्सा है उसमें एक साइड से छिलना है, दूसरे में बीच में से छिलना है आपको, और थोड़ा ट्विस्ट करना है उसमें, 7 तारों को अलग अलग करना है, 1 तार को मोड़ के वापस नीचे की तरफ लाना है, ऐसा एक चित्र बनाएंगे डायग्राम तो उसके आपको नंबर मिलेंगे। फिर लास्ट में जो फिनिशिंग है तो उसके नंबर मिलेंगे। और माना कि इस प्रश्न में टोटल अपना पेपर जो है वो 270 का है, ठीक है, मैं पहला प्रश्न जैसे है आपका थोड़ा सा हल्का फुल्का है तो इसके मैं 70 नंबर कर देता हूँ, और बाकी के जो हैं ये 100-100 नंबर के, 100 और 100 के हो गए। ये आपका नंबर का बंटवारा हो गया। आपने टूल्स की जो रिक्वायरमेंट दी है, ठीक है, और एक आपने जो चित्र बनाया वो 20 नंबर में से उसको दे दिए, 20 में से कितने, अब आप कितने डिजर्व करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि 20 में से आप 18 ला सकते हो कि 20 ला सकते हो, 10 ला सकते हो, खाली वायर लिख दोगे या चित्र सही ढंग से नहीं बनाओगे या इस टाइप से, अगर जैसे मान लो रिटर्न वर्क जो कर रहे हो ना, वो रिटर्न वर्क का 20 में से हो गया और आपने राइटिंग वर्क अच्छा कर लिया और बोलेंगे कि हमारे वो तो भी अच्छे नंबर नहीं आए, तो ये भी तो ज़रूरी है कि साथ में काम भी चाहिए। अब बाकी आता है सेकेंड चीज़, वर्क, ठीक है, आपका कार्य कैसा है, आपका कार्य, वो कार्य क्या देखेंगे, आपने जो जॉइंट लगाया उसके ऊपर तारों के लपेट बिल्कुल सही है या नहीं है, टाइट है कि नहीं है, ढीला तो नहीं है, बीच में गैप तो नहीं है, और डायमेंशन कहीं ऐसा नहीं कि इतना लंबा कर दिया और आंटी इसकी 3 या 4 लेयर ही लग रही है, आपने डायमेंशन बराबर छिला ही नहीं छिला है, छिलते समय वायर कट गया तो नंबर कटेंगे। तो काम की जो एफिशिएंसी है, वर्क कैपेसिटी, उसमें फिनिशिंग ऑफ जॉइंट है ना, फिनिशिंग कैसी आती है ये देखना है, टाइटनेस ऑफ जॉइंट, फिनिशिंग ऑफ जॉइंट, ठीक है, टाइट है या नहीं है उसके माना कि ये 20 नंबर दे दिए, फिनिशिंग के आपके कर दिए 20 नंबर दे दिए, ठीक है, फिनिशिंग कैसी है, टाइट है कि नहीं है जॉइंट, और लास्ट में एक 10 नंबर जो है आपके मटेरियल का वेस्टेज तो नहीं किया, यूज ऑफ मटेरियल, ये 10 नंबर, ठीक है, ये 10 नंबर मटेरियल आपने वेस्ट कर दिया, मतलब एक जॉइंट लगाने के लिए 4 बार वायर मांगने के लिए आ गए तुम लोग, तो फिर वो मटेरियल वेस्टेज करते हो तो भी उसके नंबर कटते हैं, और इसके साथ साथ फिर टाइम, मटेरियल प्लस टाइम, टाइम का भी है, कहीं एक जॉइंट लगाने के लिए आपने 1 घंटा पर लगा दिया, फिर बाकी पेटल क्या करोगे तुम, तो समझिए कि टाइम का मैनेजमेंट करना है। अब आपको अच्छे से अच्छे नंबर अगर लाने हैं, आप शुरुआत कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है, आपके नंबर वहीं शुरू हो जाते हैं, आप आराम से बैठे हैं उसके बाद आधे घंटे बाद प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो फिर वही आपके नंबरों में क्या है कि वो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, धीरे धीरे नंबर कम होने शुरू हो जाते हैं। तो पहले प्रश्न संबंधित ये चीज़ हो गई, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा इलेक्ट्रिशियन की पहचान है एक तरह से, आपने काम कितना सीखा वो है, वो दूसरा और तीसरा वो खास है। अब इसके लिए क्या है कि भाई उसका वेटेज भी ज़्यादा कर दिया मैंने, यहाँ हमने उसका वजन भी ज़्यादा रखा है, 100 नंबर का एक प्रश्न 100 नंबर का है, तो इसके लिए आपको टाइम भी उस हिसाब से देना है। अब रही बात आप रिटर्न वर्क में क्या करोगे, वही सिस्टम है, रिटर्न वर्क में आपका रिक्वायरमेंट टूल्स एंड इक्विपमेंट आ जाएगा, उपकरण आपको क्या चाहिए,
जैसे आपको प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है, ठीक है ना, स्टार्ट करने के लिए जैसे एग्ज़ाम के अंदर आपको माना कि इस टाइप से अगर ये आ गया है कि ये 2 वाट मीटर विधि से 3 फेज की पावर मापना, ठीक है, तो अपना जैसे ये प्रैक्टिकल बुक के अंदर दे रखा था कि 2 वाट मीटर विधि से अगर वो पावर आपको नापना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा। पहला वाला तो वाट मीटर हो गया, दूसरा वाला है आपका वोल्ट मीटर 500 वोल्ट का, वो आपको एक चाहिए एम्पियर मीटर MI, ये स्पेसिफिकेशन लिखना ज़रूरी है ना, तो इससे आपकी एक पहचान बनेगी। जो रिटर्न वर्क आप करते हो तो उसमें ये इतनी मात्रा में अगर चाहिए आपको कौन सा प्रैक्टिकल करने के लिए, आपको 2 वाट मीटर विधि से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह का सामान आपको चाहिए। और 3 फेज 415 वोल्ट प्रेरण मोटर, इंडक्शन मोटर भी चाहिएगी आपको एक, और इसके साथ साथ ये 200 वाट लैंप, 3 नंग 100 वाट के लैंप, इतने ये आपको अनबैलेंस लोड करने के लिए, तो फिर और कनेक्शन करने के लिए आपको वायर, और वायर कौन सा लेंगे आपका 1.18 या 3.20 का जो भी वायर आपके पास में अवेलेबल है, 1.5 mm² का फ्लेक्सिबल वायर लेना है तो वो ले लिया, ठीक है। अब विधि, 2 वाट मीटर विधि से 3 फेज की पावर मापना है तो पावर फैक्टर की गणना करना, और पावर फैक्टर की गणना भी करनी है। अगर इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये कर दिया आपके टूल्स इक्विपमेंट लिख दिए, उसके बाद सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम इस टाइप का बनना चाहिए, ये देख लो आप सर्किट डायग्राम में क्या किया हुआ है, ये कौन सा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन है, ठीक है। तो आपको डायग्राम इस टाइप का बनाना है, ये वाट मीटर है, ये आपका वाट मीटर है। वाट मीटर के अंदर M, L और C और V इस प्रकार से 4 टर्मिनल होते हैं, इसमें ये M, L, C और V, ये जो चारों कोने लिखे हुए ना इसके, ये 4 टर्मिनल हैं। वाट मीटर को इस प्रकार से बनाया गया, सर्किट डायग्राम बनाओ तो उस प्रकार से बना देना, ये गोला करना है और ऐसे चकोर ऐसा बना देना है, उसके बाद फिर यहाँ ये जो बिंदु है इस पर लिख देना आप M, फिर इधर लिखना L, इसको लिखना C और इसको लिखना V, ठीक है। अब आपने वाट मीटर लाओ, देखें उसका ढक्कन खोलो कैसे होता है, तो वाट मीटर कनेक्शन करना आपको सीखना है तो इस प्रकार से वाट मीटर कनेक्शन किए जाएंगे, ठीक है। ये M, ये वाला टर्मिनल M, L, C और V में ये 2 हैं आपका, ये 500 वोल्ट का अपने को चाहिए, तो 500 वोल्ट का इस टर्मिनल को काम में लेना, इसको काम में नहीं लेना है, क्योंकि जब 3 फेज का ये करेंगे तो उसको इसको काम में नहीं लेना है आपको, ठीक है। M और L, M सिरा कहाँ जोड़ना है आपको, ये यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है। ये सिरा M वाला आ गया, तो M कहाँ जुड़ेगा, एम्पियर मीटर में, तब यहाँ जो एम्पियर मीटर से जो निकल रहा है, MCB ले लिया, तो MCB जैसे ये TP आपने ले रखा है, आपको ये ध्यान रखना है कि एम्पियर मीटर से निकलेगा वो वाट मीटर के M टर्मिनल पे जाएगा यहाँ पर, और यहाँ L से सीधा जाएगा वो स्टार में, तो ये L जो है यहाँ से जो निकलेगा वो जाएगा लोड में, लोड का एक R फेज है। अब यहाँ पर जैसे लोड है आपका, ये लोड अपनों ने रेडी करके रखा हुआ है, 3 बल्ब, तो ये लोड आ गया आपका। एम्पियर मीटर सीरीज में लगाना है, वोल्ट मीटर 2 फेजों के बीच में लगाना है, तो वो हो गया आपका लाइन वोल्टेज और लाइन करंट, उस पर लिखेंगे लाइन वोल्टेज लाइन करंट के लिए, और फेज वोल्टेज और फेज वोल्टेज के लिए जो लगाना है एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर, तो कहाँ लगाएंगे, वो वाइंडिंग पे लगाएंगे या लैंप के ऊपर लगाएंगे, वहाँ पर आप एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर लगा के फेज वोल्टेज और फेज करंट लिखेंगे। तो सर्किट डायग्राम आप किस ढंग से बनाते हो, अब सर्किट डायग्राम भी आप सही ढंग से अगर आपने बनाया तब तो आपको नंबर 20 में से 18 मिल सकते हैं, 90% जितना काम कर सकते हो, इतना एकदम साफ सुथरा बनेगा, तो नहीं तो फिर वो 20 में से 10 और 5 नहीं हो, बना भी नहीं पाओ, उल्टा सीधा बनाओ तो भाई नंबर काट ही देंगे और क्या करेंगे। तो आपको एक तो सर्किट डायग्राम भी अच्छी तरह से बनाओगे तो 20 में से मैक्सिमम नंबर आप ला पाओगे। ये दूसरे नंबर की चर्चा कर रहे हैं अपन, दूसरे और तीसरे के लिए लगभग सेम क्राइटेरिया है, मूल्यांकन करने का जो हमारा जो मूल्यांकन करने का जो तरीका है वो लगभग एक जैसा है, दूसरा और तीसरा, क्योंकि वो पहले वाले का अलग था, वो काम करना है ज्वाइंट करने का था, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है जैसे मेजरमेंट का है बस। तो ये सर्किट डायग्राम सही ढंग से बनाए नहीं बनाए तो उसके 20 नंबर हो गए, कितने हो गए, 30 और 20 50, 50 का तो हिसाब हो गया। अब बाकी के 50 का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे, अब बाकी का तो फिर उसने वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर लिया है, जोड़ा है, कनेक्शन उसने सही ढंग से किए या नहीं किए, ये पहले 50 का तो फैसला इससे हो गया, सर्किट डायग्राम सही ढंग से बनाया नहीं बनाया, ये किया या नहीं किया, रिक्वायरमेंट में आपने बराबर दे दिया, ये 2 चीज़ें हो गई। अगले 50 की जो मार्किंग करना है, आपने लिस्ट में बना दिया, सर्किट डायग्राम भी अच्छा बना दिया, लेकिन कनेक्शन करते समय आपने वायर उल्टे सीधे जोड़ दिए, तो इसका मतलब
सही नहीं है। दूसरा चीज है आपकी ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ सिस्टम। आप जो पूरा प्रैक्टिकल आप करने जा रहे हैं उसको कैसे चला रहे हैं आप, वोल्टेज पूरा देख करके और उसके बाद धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं या पूरा सेफ्टी से उसका काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसमें सेफ्टी तीसरा बिंदु है। सेफ्टी आपने रखी या नहीं रखी, सेफ्टी एडॉप्ट की या नहीं करी, तो ये जैसे 30 नंबर का जो बंटवारा है इस प्रकार से, जैसे 10 नंबर आपने कनेक्शन सही ढंग से किए हैं, 10 में से ये दे दो, ठीक है। चलाने का भाई स्विच ऑन और ऑफ करने का तरीका, ऐसा नहीं कि भाई हड़बड़ाहट में जो कर रहे हैं और एकदम स्विच ऑन कर दिया, इधर देखो जैसे स्विच ऑन करा नहीं और फिर बाद में कहीं इधर से कहीं तार खुले रह गए या कहीं किसी को शॉक लग गया या आपस में शॉर्ट हो गए, तो ये इस तरह से कंडीशन नहीं आवे, ये भी आपको ध्यान रखना है। चार ओर से देख लिया, तसल्ली करने के बाद फिर आपको मेन स्विच ऑन करना है। तो ये ऑपरेशन करने का जो है ना सेफ मेथड क्या है, दूसरा सेफ्टी बराबर ध्यान रखी या नहीं रखी है, है ना, ये एक दो। तीसरा जो चौथा बिंदु है रीडिंग, है ना, ये जैसे ये 5-5 नंबर कर दो ना रीडिंग का जो है वो 10 नंबर कर दो, तो हो गया ना आपके ये 30 का बंटवारा, इस हिसाब से कर दिया। रीडिंग आप किस ढंग से ले रहे हैं, सुई को स्थिर होने दें, अगर डिजिटल है तो डिजिटल में भी थोड़ा सा वेरिएशन आता है, पहले एक बार उसको सिस्टम को स्थिर होने दें उसके बाद आप रीडिंग नोट करें। अगर आप पॉइंटर वाला है, अगर एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के मीटर होते हैं, डिजिटल देखो तो सीधा डिजिट आती जाएगी लेकिन डिजिट भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होती रहती है, स्टार्ट जैसे आप करते हो तो वोल्टेज करंट थोड़ा वेरिएशन आएगा, फिर थोड़ा थोड़ा समय लगेगा उसके बाद स्थिर हो जाती है रीडिंग, उस समय आपको नोट करना है, ठीक है। और जहां आपने मीटर लगा रखा है, ऐसा नहीं कि आप जो रीडिंग देख रहे हैं फेस करंट और लिख रहे हैं लाइन करंट की जगह, है ना, आपने जो मीटर लगा रखा है वोल्टमीटर जो लगा रखा है वो लाइन वोल्टेज पे लगा रखा है, रीडिंग आपने पढ़ ली और जब सारणी में जब उतारने जा रहे हैं तो उसमें फेज वोल्टेज की जगह उतार दिया, तो फिर वो भी गड़बड़ हो गया। ये भी पहचान होनी चाहिए कि ये मीटर लगा रखा हमने ये फेज वोल्टेज के लिए है, ये फेज करंट के लिए है, ये लाइन वोल्टेज के लिए है, लाइन करंट के लिए है, तो इस हिसाब से जो रीडिंग लेते हैं उसके भी 10 नंबर हिसाब से मार्किंग होगी। अब इन सब के साथ साथ एक सबसे जो महत्वपूर्ण होता है आपका वाइवा, ठीक है, लास्ट में आपका जो 20 नंबर का है मौखिक प्रश्नोत्तरी, है ना, 20 नंबर का वाइवा। अब आप स्टार और डेल्टा के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो, इसका उपयोग कहाँ होता है, स्टार का उपयोग कहाँ होता है, मोटर को स्टार में कब चलाते हैं, डेल्टा में क्यों चलाते हैं, ये सारी चीज़ें, कनेक्शन कहाँ कहाँ होते हैं, सीक्वेंस बदल गया तो क्या होगा, ये छोटा मोटा उस प्रश्न से रिलेटेड प्रश्नोत्तरी, थोड़ी जो क्वेश्चन आपका है प्रैक्टिकल का उससे रिलेटेड, या एक जनरल नॉलेज के लिए भी पूछ सकते हैं भाई, ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ही आपसे प्रश्नोत्तरी कर लें। इसके अलावा भाई सिंगल फेज में कितने वोल्टेज होते हैं, फेज कौन सा, न्यूट्रल कौन सा, ऐसे पूछ लिया तो ज़रूरी नहीं भाई ये इस भाई अपना ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ऐसा नहीं, क्वेश्चन से रिलेटेड तो नहीं पूछना, ऐसा नहीं, प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं ना। भले प्रैक्टिकल आपका ये स्टार डेल्टा कनेक्शन का आ गया और अल्टरनेटर के बारे में पूछ लिया या वायरिंग के बारे में पूछ लिया, ताकि मालूम तो पड़े कि आपका नॉलेज कैसा है, ठीक है। अब मान लो जैसे ये 20-25 लड़के हैं, जैसे आप बैठे हुए तो 20-25 हैं, तो 20-25 में से कौन सा अच्छा है, कौन सा डाउन है, तो हमारा उद्देश्य क्या रहता है कि इसमें से टॉपर कौन सा है और डफर कौन सा है और बीच के एवरेज कैसे हैं, तो ये हमें मूल्यांकन करना है। उस आधार पर प्रश्नोत्तरी या वाईफाई से अपन मूल्यांकन कर लेते हैं कि इसका नॉलेज कितना है, इसका ज्ञान आपको टेस्ट करना है, हमें जैसे टेस्ट करना है इसका ज्ञान कितना है, तो आपका ज्ञान हमें देखना है, तो फिर इस हिसाब से छोटा मोटा प्रश्नोत्तरी करके, तो वो कहलाता है आपका वाइवा। वो वाइवा जो होता है वो जनरल इस प्रश्न जो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है उससे रिलेटेड भी हो सकता है या इससे हट करके भी हो सकता है, तो इस हिसाब से आपका मूल्यांकन किया जाता है। तो ये दूसरा प्रश्न जो आपको करना था, अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं तो क्या है, क्या करोगे, एक तो टूल्स इक्विपमेंट
विवरण पूरा लिखना है। कैसा लिखना है? जैसा मीटर, वोल्ट मीटर, एम्पीमीटर, पूरा स्पेसिफिकेशन, आपको मटेरियल क्या क्या चाहिए, संपूर्ण विवरण वो होना चाहिए। सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम भी अच्छी तरह बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइनों में आप कनेक्शन कहीं वोल्ट मीटर शॉर्ट कर दो, वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दो, ना एम्पीमीटर को पैरेलल में जोड़ दो, है ना। एम्पीमीटर सीरीज में आना चाहिए तो सीरीज में आना चाहिए, वोल्ट मीटर पैरेलल में आना चाहिए, और उसके नीचे भी आपको जो इंडिकेशन लिखते हैं वोल्ट मीटर, एम्पीमीटर, एसी डीसी, मूविंग आयरन का है तो मूविंग आयरन में एसी डीसी का सिंबल है तो वो भी आपको लिखना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान करके करेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। सर्किट डायग्राम सही ढंग से आपको बनना चाहिए, फिर आप काम करते समय ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब प्रश्नोत्तर ये हो गया, तो ये आप सही ढंग से करेंगे तो आपको 100 में से मैक्सिमम नंबर आप ला सकते हैं, और एग्जामिनर को भी आप सेटिस्फाई कर सकते हैं कि नहीं, उनको भी लगेगा कि नहीं ये आपका जो स्टूडेंट है जैसे तो ये अच्छा है, यूँ ऐसा लगे, तो आप अपनी इमेज जो है वो इस टाइप की बनावें। आप जो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जाते हैं उस समय एग्जामिनर का जैसे भी देखने का जैसे तरीका होता है कि भाई स्टार्ट करता है कि एक तो ये विचार कर करके ऐसे जोड़ूँ कैसे जोड़ूँ, विचार करता रहेगा तो फिर वो वहीं पर नहीं तो अपने को आइडिया लग गया कि नहीं इसको सही ढंग से आता नहीं है। एक जैसा आया सीधा लिया, वायर लिया, इसमें कॉमन लगाना है, इधर ये लगाना है, इसमें कॉमन पे कनेक्शन करना है, एम एल सी वी जैसे ये जो वाट मीटर को जोड़ना है तो इस टाइप से, या वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर, फटाफट रेंज लेकर के कनेक्शन करने जा रहा है। तो एक तो परफेक्टनेस वो है कि ये बंदा है जो ये स्टूडेंट है जिसको काम आता है तो वो एकदम फटाफट कर लेगा, है ना, जिसको नहीं आता है वो विचार करने लगेगा। तो ये भी एक इनिशियली जो शुरुआत जो कैसे करते हैं ये भी आपके मूल्यांकन में जुड़ता है। अगर आप सही ढंग से शुरुआत कर देते हैं तब भी आपके नंबर अच्छे मिल जाते हैं। तो ये काम करने का जो ढंग है, काम करने का तरीका, इससे ये मूल्यांकन ऐसे होता है। इसके लिए तो आपको यही है, इसका अगर सुधार करना हो तो कैसे करेंगे, एक दो बार आप पूर्वाभ्यास कर लें। अब पूर्वाभ्यास कर लोगे तो आइडिया लग जाएगा कि हम वोल्ट मीटर ऐसे जोड़ते हैं, वाट मीटर ऐसे जोड़ते हैं, एम्पियर मीटर ऐसे, वोल्ट अपने, और कौन सा एम्पियर मीटर लेना है, कौन सा वोल्ट मीटर रीडिंग कैसे लेते हैं, ये एक दो बार आपको प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। तो ये तभी आएगा जब आप एक दो बार अभ्यास कर पाएंगे। मानना है कि प्रश्न में ऐसा आ गया, मेजर द थ्री फेज पावर, और उसमें कुछ लिखा नहीं है, तो आप वहाँ पर जो एग्जामिनर जो आए हैं, आपके सर जो हैं, जो टेस्ट करने वाले, उनसे आप पूछ सकते हैं कि इसमें हम कौन सी विधि करें, एक वाट मीटर करें, दो करें या तीन करें, ये पूछ सकते हो आप। लेकिन ये तो आपको पूछना तो पड़ेगा, अब जब ये पूछेंगे तब मालूम पड़ेगा कि आपको नॉलेज कितना है। जब आप पूछेंगे नहीं, अच्छा ये क्या करना है, थोड़ी देर बैठे ही रहेंगे, फिर तो ये कुछ ऐसे आपको पता ही नहीं। थ्री फेज पावर मेजर करने का यूँ आ गया तो फिर यहाँ पे पूछना तो पड़ेगा कि भाई एक वाट मीटर करना है सर के दो का करें करें कि तीन का करें। तो उस हिसाब से आपको ये तय करना है कि थ्री फेज की पावर नापने के लिए फिर आप जो भार लिखेंगे, बैलेंस और अनबैलेंस, अनबैलेंस के लिए आपको भी 200-200 वाट के बजाय 100-100 वाट भी लिखने पड़ेंगे, 200 वाट भी लिखने पड़ेंगे, ऐसे अलग अलग वाटेज के बल्ब भी लिखने पड़ेंगे बैलेंस और अनबैलेंस करने के लिए। एक बार तो बैलेंस वो पहले वाला जो था प्रैक्टिकल, उसमें तो आपने 200-200 वाट के लिख दिए, लेकिन आपको अनबैलेंस करना है तो फिर 200 वाट, 100 वाट, 60 वाट, ऐसे ऐसे अलग अलग मांग करनी पड़ेगी जो प्रैक्टिकल में यही जो आप रिक्वायरमेंट देंगे। तो अब इसमें जो मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट आपकी होगी क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए, मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी वो किस आधार पर होगी, आपके प्रैक्टिकल के आधार पर होगी। अब आपके प्रैक्टिकल के आधार पर आपने जो मांग कर रखी है तब तो ये सही रहेगा, नहीं तो आपने मांग नहीं कर रखी है, सही ढंग से मांगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा, वही के नंबर कम हो जाएंगे। तो आपको परफेक्ट नंबर लाने हैं तो आपको इस टाइप से थ्री फेज का, माना कि आप बैलेंस लोड करने जा रहे हैं एक बार में, तो बैलेंस अगर करें तो भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी कि बैलेंस लोड के लिए, तो पहले वाला जो प्रैक्टिकल किया था आपने 200-200 वाट के लैंप थे, वो बैलेंस लोड ही है, बना बनाया तैयार है, खाली आपको वाट मीटर जोड़ना है, केवल वाट मीटर से जोड़ना है। अब वाट मीटर, एक वाट मीटर जोड़ना है, उसमें करंट कोइल लॉस,
प्रेशर कॉइल दो तरह की होती है, जोड़ना कैसे, सर्किट डायग्राम बना हुआ है कि नहीं है वो देख लो। तो आपको इस ढंग से रिक्वायरमेंट भी दो और साथ में सर्किट डायग्राम भी बनाओ। तो जैसा पहला प्रैक्टिकल का था, नंबर का जो बंटवारा, उस हिसाब से ही बंटवारा होगा। औजार और उपकरण जैसे आप लिख रहे हैं, औजार उपकरण जैसे आप लिखेंगे तो उसके आधार पर आपका मूल्यांकन हो गया। आधा मूल्यांकन तो उससे हो जाता है, बाकी का मूल्यांकन जब हम काम करने जाते हैं वहाँ मीटर को देख करके और चारों ओर घूमने लग जाए ना, नहीं पता भाई वायर कहाँ जोड़ना, तब वहाँ पर मूल्यांकन हो गया तुम्हारा, समझ लो। नहीं पता है तो वह ठीक है, एक परफेक्ट आता है कि हाँ भाई ठीक है, सही ढंग से कनेक्शन कर रही है, कर रहे हो, तो फिर वो उस आधार पर आपकी मार्किंग हो जाती है। और लास्ट एंड फाइनल रीडिंग आप लो और रिजल्ट निकाल के बताना है। रिजल्ट कैसे, कि अपना जो प्रैक्टिकल क्या है, अपना प्रैक्टिकल क्या है, ये अपना प्रैक्टिकल माना कि जैसे ये तीसरा प्रैक्टिकल है, थ्री फेज की पावर मापना है ना, तो तीन फेज की पावर आपने 200-200 वाट के छह बल्ब लगा दिए, कितना भार हो गया, 1200 वाट आ गया। आपका वाट मीटर जो रीडिंग देगा वो 1200 के लगभग बराबर आना चाहिए, वो भी तो आप उसको प्रूव करके दिखाओ ना। बल्ब तो हमारे सामने दिख रहा है, ठीक है ये 200 वाट का दिख रहा है, छह बल्ब लगाए तो 1200 दिखना चाहिए, तो वो रीडिंग भी तो आनी चाहिए। और एक वाट मीटर लगा रखा है आपने, है ना, उसको तीन गुना किया है, ठीक है। तो एक वाट मीटर आपने लगा रखा है, उसके तीन गुना करना है, तो एक में 400 तो बताना चाहिए कि 400 वाट, तब तो 1200 होगा क्या, तो 400 वाट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये देखना चाहिए। आप रीडिंग, आपने जो रीडिंग लिख दी उसमें जो वाट मीटर दिखा रहा होगा, मान लो 200 दिखा रहा होगा या 150 दिखा रहा होगा, तो फिर वही आपका हिसाब गड़बड़ हो गया ना, जो कहना चाहते हो। फिर लास्ट में रिजल्ट निकलेगा तो फिर आप बता देंगे कि हमने थ्री फेज कुल पावर निकाली है, एक वाट में जो रीडिंग आई थी उसका तीन गुना हमने कर दिया तो इतनी रीडिंग आई, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मान लो पावर फैक्टर, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आता है, क्योंकि मैंने थ्री फेज का बैलेंस और अनबैलेंस भी लिखा है, अनबैलेंस भी लिखा है। अगर मान लो एक थ्री फेज की मोटर आपको दे दी, थ्री फेज की मोटर की पावर नापनी है, फिर तो उसमें तो फिर पावर फैक्टर लगेंगे, फिर पावर फैक्टर मीटर और आपको जोड़ना है इसमें, तो वाट मीटर भी जोड़ना है, पावर फैक्टर मीटर भी आपको जोड़ना है, वो लीडिंग और लैगिंग, लीडिंग तो होगा नहीं, मोटर है तो कौन सा होगा, लैगिंग है ना, मोटर है तो इंडक्टिव भार हो गया, तो मोटर है इंडक्टिव भार है तो फिर आपका ये लैगिंग पावर फैक्टर हो गया, तो उस आधार पर ये लैगिंग पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर मीटर भी आपको लगाना है, उसमें करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल एम एल और सी और वी, इस प्रकार से ये चार टर्मिनल उसके भी होते हैं, तो पावर फैक्टर मीटर कैसे जोड़ना है, वाट मीटर कैसे जोड़ना है, ये सारा एक बार अभ्यास करके देख लेना है, ठीक है। तो ये करके फिर आप रीडिंग नोट करें, तब आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, टाइम का कैलकुलेशन करना ही है। तो ये थी आपकी एक जानकारी छोटी मोटी। तो अब आप मेरे हिसाब से, अब आप लोगों का जो प्रैक्टिकल करना है ना, प्रैक्टिकल का पूर्वाभ्यास करना है, मान लो ये एक तरह से रिवीजन चल रहा है, तो रिव्यू करना है अपने को, पहले आपने कर ही लिया लेकिन उसको रिव्यू करके देखना है कैसे करेंगे। तो ये जानकारी आपको दे दी, अब आप करें, एक बार शुरुआत करें कैसे करना है।